आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामिया में बीटेक में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, इस वीडियो में बीटेक का एडमिशन प्रोसेस 2023 के बारे में, चाहे वो फॉर्म्स को लेकर हो, एग्जामिनेशन और जो कॉमन से डाउट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप गूगल पर जाएँगे और सर्च कर लेना है JMICUE। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन देखिएगा, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे जब क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन हो जाएगा, इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका बीटेक का फॉर्म आ चुका है, पहली बात। और आपके बीटेक का मतलब अगर फॉर्म ओपन होने की डेट की बात करें तो 3 मार्च था, यानी कि 3 मार्च से फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है। जामिया में अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो आपको जामिया का बीटेक का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और लास्ट डेट जो रखा गया है वो आपका 3 अप्रैल रखा गया है। बाकी अगर कोई भी गलती करते हैं तो 4 से 6 अप्रैल के बीच में आप करेक्ट कर सकते हैं, 4 से 6 अप्रैल के बीच में। ये तो बेसिकली फॉर्म्स को लेकर मैंने बता दिया ओपनिंग और क्लोजिंग डेट के बारे में। अब इसके बाद जामिया में बीटेक में किस तरीके से एडमिशन होगा प्रोसेस के बारे में बात करें, उसके लिए जानने के लिए आपको ये रहा जामिया इस्लामिया का प्रोस्पेक्टस, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का आइकन दिखेगा जो मुझे दिख रहा है, एज इट इज आपको दिखेगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आना है यहाँ, क्योंकि इनिशियल में ही इन्होंने बता दिया कि जामिया के बीटेक में एडमिशन किस तरीके से होंगे। तो ये तो आप देख सकते हैं, ऐसे क्यों हो रहा भाई। तो इस तरीके से आपको आइकन दिखेगा एंड देन फिर यहाँ पे इन्होंने एक इंसर्ट में T20, हालांकि लोगों के हिसाब से T20 शेड्यूल है, बट एक्चुअल में रियलिटी है कि जामिया इसी हिसाब से ही चलती है। मतलब वो T20 शेड्यूल के नाम पे ही जो भी चीज़ें करते हैं T20 शेड्यूल के हिसाब से ही करते हैं। तो अब चलिए हम थोड़ा सा, क्योंकि बीटेक में आपको एडमिशन लेना है तो थोड़ा उसके बारे में हम बता दें। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे स्पोर्ट्स फैकल्टी है, UPSC के लिए भी कोचिंग यहाँ पे चलते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। अगर जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर जामिया के बारे में सोचें। अरे बात है, हम आपके जामिया के बीटेक में एडमिशन के प्रोसेस के बारे में, ये रहा इन्होंने बता दिया है क्या क्या है। एडमिशन टू बीटेक प्रोग्राम ऑफ JMIE, एडमिशन टू बीटेक 23-24 प्रोग्राम ऑफ जामिया इस्लामिया विल बेस्ड ऑन दी फाइनल रैंक ऑफ JEE Main 23 कंडक्टेड बाई NTA। यानी कि अगर जामिया में आपको एडमिशन लेना है तो जो भी मेरिट आपके बने हैं किसके द्वारा, JEE Main का जो पेपर हो रहा है, चाहे वो फर्स्ट सेशन हुआ हो या सेकंड सेशन का पेपर हो, इन दोनों पेपर में जो भी आपके मेरिट टॉप मोस्ट मार्क्स है उसी के बेस पे आपको मिलेगा। यानी कि अगर मान ली फर्स्ट सेशन में आपको अच्छा मार्क्स मिला है तो फर्स्ट सेशन के हिसाब से मिल जाएगा, और अगर अभी सेकंड सेशन का दिए या देने वाले हैं तो उसके बेस पे। लेकिन हाँ, 2023 याद रखिएगा, अब जो बच्चे 2022 में दिए थे JEE Main, अब वो सोच रहे हैं कि जामिया में ले ले, उनको नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2023 मेंशन किया गया। लेकिन एक बात और इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने क्या कहा है, टू बी एडमिटेड टू बी टेक प्रोग्राम ऑफ JMIE कैंडिडेट हु हैव फिल्ड ऑनलाइन फॉर्म ऑफ JEE Main 23 आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जामिया इस्लामिया एज वेल एज एट JMICU.in। मतलब ये कि अगर आपको जामिया में बीटेक में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको जामिया का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि आपको सिर्फ जामिया में एडमिशन चाहिए, इसलिए, वरना आप नहीं फिल करेंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा भी नहीं मिलेगा। मैं फिर से बता दूं कि अगर आपको जामिया के बीटेक में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको जामिया का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब फॉर्म कहाँ से फिल करना होगा हम उसके बारे में बता दिया, लिंक मैंने दिखा दिया, वहाँ से फॉर्म फिल कर लेंगे। फॉर्म फिल करना बहुत आसान है। अगर बाय द वे किसी स्टूडेंट को कोई इशू होता है तो मैं एक इन शॉर्ट में एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे फिल करना है, हालांकि मैंने वीडियोज़ बनाए हैं वो देख लीजिएगा। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, अगर आपके पास मार्कशीट नहीं भी है तो भी आप फिल कर देंगे। नए स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे आपके मोबाइल वाले सेक्शन देखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। एक तो ये कि आप मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं, कोई टफ चीज़ें नहीं है। यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल है जो आपको डालना पड़ेगा, यानी इसमें फिल करना पड़ेगा। कर लेने के बाद आपको यहाँ पर साइनअप पर क्लिक करना होगा, एक पॉपअप टाइप का आएगा डेटा ऐसा, उसमें डिटेल लिखा रहेगा। उसके बाद आपको कन्फर्म करना होगा, कन्फर्म जैसे ही करेंगे एक ईमेल पर जाएगा, एडमिन का नाम से ईमेल आएगा, उस ईमेल पर क्लिक है टू वेरीफाई का आइकन रहेगा, उस पर जैसे जब क्लिक करें अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली आप साइन इन वाला पैनल पर चले जाएंगे। मतलब अब हम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है तो यहाँ पे जो है हम डायरेक्ट साइन इन वाला पैनल पर जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि बीटेक, क्योंकि हमने फॉर्म फिल कैसे करना है वीडियो बनाए वो देख लीजिएगा। अब हम फिलहाल डायरेक्ट यहाँ पर ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे और पासवर्ड डाल के सबमिट बार पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बार पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। जो नए नए स्टूडेंट है, जो फ्रेश स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उनको ये वाला आइकन इनिशियल में नहीं दिखता है, लेकिन जब वो एक फॉर्म फिल कर देते हैं तो ये दिख जाता है। लेकिन अगर फिलहाल जैसे ही आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आइकन देखिए, आप डायरेक्टली आपको माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। अब सपोज कर आपको बीटेक में अप्लाई करना है, ऐसा आइकन आ जाएगा, तो कुछ नहीं करना, आपको कोर्स टैप में क्लिक करना है। सबसे पहले जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, बैचलर्स, मास्टर्स, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, PhD, MPhil। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी बैचलर पे क्लिक करते हैं।
और सॉरी बैचलर नहीं बल्कि देखिए हल्का सा स्क्रॉल करते चाहेंगे ये रहा देखिए बीटेक बीआर के दिख रहा ना, यहाँ से आपको बीटेक बीआर सेलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद यहाँ पे इस बीटेक में भी मतलब इस पर क्लिक करना होगा, और क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, अगर बीटेक में अप्लाई करना चाहते तो बीटेक सेलेक्ट करिए, बीआर में बीआर। अब इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है, जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पर टिक करिएगा और इसके आगे मतलब मैं पहले स्टेप बता दे रहा हूँ, बाकी तो आप समझदार हैं ही, आप खुद ही फील कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से आइकन आ गया, आपका फॉर्म 6 स्टेप में फिल होगा। बहुत आसान तरीका है, मुझे लगता है जामिया से ईजीएस्ट फॉर्म फिल करने का किसी का है ही नहीं, मतलब सबसे ईजी अगर किसी का फॉर्म फिल करना है वो जामिया का है। बाकी डिटेल वीडियो फुल वीडियो मैंने बना दिया है, मतलब प्रोसेस यही है, इसके बाद आगे पूरा जो भी डिटेल मांगा जाए जैसे फ़ोटो सिग्नेचर यही सब मांगा जाएगा, जाए तो कुछ तो मांगा नहीं जाएगा। और रहा सवाल तो जामिया बीटेक का, तो सिंपल सी बात है आपका मेरिट बेस पे। अब एक सवाल होगा कि सर जामिया के बीटेक में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिंपल सी बात है जो जेई मेन का एलिजिबिलिटी है वही जामिया बीटेक कराएगा, पहला तो ये हो गया। दूसरा फ़ी जो लगते हैं उनके अराउंड 60,000 ईयरली लगते हैं चाहे किसी भी कोर्स में, हालांकि यहाँ पे प्रोग्राम जो है यानी बीटेक में वो लगभग 5 है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। लास्ट ईयर का कट ऑफ अगर देखना चाहते हैं तो भी इसके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का डाउट होता है जैसे सीट्स वगैरह को लेकर, हर कोर्स में लगभग 60 सीट्स हैं, तो अब देख लीजिए 5 कोर्स है यानी कि 300 सीट्स है। बाकी ये कि प्रोस्पेक्टस में और भी डिटेल मेंशन है जो जैसे रिजर्वेशन को लेकर, तो हम रिजर्वेशन पे एक सेपरेट वीडियो आज अपलोड कर देंगे। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है कमेंट करिएगा।